सलवात वहद इबादत है जिन पा खालिक भी शामिल होंगे सारे बा जमात सलवात पढ़ो। सब तो पहले सारे मोमना को जश्न पाक दे मुबारक होवे। मेरा घर है, मेरा वतन है, सारा को मैं जानना एक एक का नाम भी दुआ गिनन की खातिर हाजिर होया, क्योंकि मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, लिस्ट वजनी है बारहवीं सरकार को लिस्ट वजे तो मैं हकीर दी ना हो इस ख्वाहिश से हाजिर होया। तू जो महकूद सहना है वो ठीक है, मैं तो हर एक मुनाफिक का जम जानना। बाबा मुरीद बास लंगा फरमाते हैं न जशन सुने वेंदन न जशन पढ़े वेंदन जशन मनाए वेंदन। जड़ा बंदा जशन मनावन आया बैठे तू जो महकूद सहना है वो ठीक है, मैं तो हर एक मुनाफिक का जम जानना। कौन कंड दे के भईदा रिहा पिड़ विचू कहंदे हाथ विच हकदा अलम जानना। शेरा दे जे अखी नू दुर दी तलाश होवे तां वत रूड़ी दे कख नहीं दिखी दे मियां, अपने वरके दी गलती नू तस्लीम कर घर दे जमियां दे दांत नहीं गिणी दे मियां। बस में मुख्तसर दे हाजरी ते कसीदा सुनाना चाहना यारा शबान दे हवाले नाल। कसीदा हुसैन बादशाह दे सोने बचड़े दा एक ओ खालिक अकबर एक शहजादा अकबर ओ बनावन वाला अकबर ए बनन वाला अकबर ओ खलक करन वाला अकबर ए खलक होवन वाला अकबर। मामा मुस्तफा सत्तर यह सुनावनी है भाई उस अकबर ने इस अकबर को बढ़ाया कि सारा का इरादा है ना कसीदा सुनावा लो सुनाऊ कसीदा ये मेरा इरादा है मिलेगा खुल्द अली का ये हमसे वादा है। ये जड़े चुप कर गए हो मैं कल्हे नाल वादा कोई नहीं ये सारे मोमना नाल वादा है। लो सुनाऊ कसीदा ये मेरा इरादा है मिलेगा खुल्द अली का ये हमसे वादा है। नामे अली का सुनकर जिसको बुखार हो जाए कुछ और हो न हो यकीनन हराम ज्यादा है। इस कदर शौक से अकबर ने बनाया अकबर इस कदर शौक से अकबर ने बनाया अकबर इस कदर शौक से अकबर ने बनाया समझ आ रही है ना। इस कदर शौक से अकबर ने बनाया अकबर अकबर ने बनाया अकबर इस कदर शौक से अच्छा अकबर ने बनाया अकबर इस कदर शौक से अकबर ने बनाया अकबर अपने नामे अली खत्म है कुरान दा सवाब एडो हद बुलंद करो ते बोलो हैदरी। खाले के दो जहान है हुसैन बादशाह नु आख्या ते कोई यो जे पुत्र अता करा जनिया लोग मिसालां दे से बल्कि जमाने मिसालां दे से। हुसैन बादशाह दे भाई तू जो करीम खालिक है सब कुछ अदा कर सकना है। खालिक दी आवाज फैंदी है मेरा प्यारा हुसैन सुन तो सही मैं खालिक दी मर्जी क्या है मैं रब दी मंशा क्या है। हुसैन बादशाह दी आवाज पे आंदी है दस तो सही तेरी मर्जी क्या है तेरी मंशा क्या है। उवेले खालिक दी आवाज आई है मेरी काए एक ये हुसैन की जागीर बने लवस दे जागे में नियाजी न करें। खालिक दी आवाज पे आंदी है किवें भाई दिखाया अकबर फिर उसी शाख से नबियों को
दिखाया एक भय और बड़े नाज से यूसुफ को मिलाया एक भय इस कदर शक से ओ दूजा किसी ने एक सत्तर बै कसीदे दी जिक्र जो यारा शबान दे यारा शबान दे हवाले नाल एक सत्तर सुनाउणा चाहन सारे बा जमात सलवात पढ़ो कुल सुनियां दा सुल्तान आज हुसैन दा पाक कुरान आए कुल सुनियां दा चाचा असलम बीमार है मौला को शफाए कुली अता फरमाए बाकी भी जितने मोमिन बीमार है अज दी रात दा सदका सारा नु मालिक अल्लाह कुली शफा अता फरमाए उस खालिक ने बार बार जो आखरिया कुल सोनिया दा सुल्तान आया अज हुसन दा पाक अल्लाह सारा को जबान दी है बोलो अज हुसन दा पाक कुरान आया केड़े कुरान दा जिक्र करना चाहना सत्र सुनावा केवे भाई भाई इतनी नौकरी काफी मेहमान है ना वक्त को दे दो आखिरी सत्र पढ़ के दुआ पे देना अच्छा कहते घर भी कोई बच्चा आवे ना तो सारे सजन मुबारक ही आन देना ते जिन्ना दा जिक्र मैं खड़ा करी ना ए आन देन जमदे नहीं इन्ना दा नजूल होन दे सारे सजना ने हुसैन बादशाह को मुबारक देवनिया शुरू कीतियां ते मौला इमाम हसन करीब आके आखा मुबारक हो भी सोने पुत्र दी आमद हुई भी हुसैन बादशाह ने पुत्र को हथा ते चाह के मौला इमाम हसन दे पास देख के आखा देख तसई मेरा पुत्र लगदा की हो जिया पी आए दसा तसई मेरा पुत्र है की हो जिया मौला इमाम हसन मुस्कुरा के हुसैन बादशाह दे पास देख के केड़ी गल कर देन भाई थोड़े बड़े कसीदे